हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डी केशवर सर और आप देख रहे हैं एडवांस टेक। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए सैमसंग का F23 5G सेट। इसमें आपको मिल जाएंगे 12 5G बैंड मिलते हैं, जो कि अपने को अगर देखा जाए तो अभी बिग बिलियन सेल चल रहा है, तो 11-12 हज़ार के रेट में ये बहुत ही बेस्ट मोबाइल है। ये और भी 5G मोबाइल है, बट मेरे को जो सैमसंग लवर है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा सेट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। बट इसमें एक कमी है, तो वो है कि इसमें आपको चार्जर नहीं दिया जाता और इसमें एक केबल दिया जाता है जो टाइप सी है। मतलब एक परफॉर्मेंस लेवल, मतलब एक अपग्रेड लेवल में ये जा रहा है मोबाइल। अगर देखा जाए तो ये सब मेजर्स, ये सब 60 हज़ार से ऊपर वाले मोबाइलों पे ये सब होता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। और इसमें अगर आपको देखा जाए तो सैमसंग का 1 UI मिल जाएगा। अंतुत स्कोर इसका रहेगा 3,50,000 के आसपास है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि 2 साल का अपडेट देगा और 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट देगा। और इसमें NFC भी मिल जाएगा, और अगर देखा जाए तो इसमें 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट इसका डिस्प्ले थोड़ा सा कमज़ोर है, सुपर एमोलेड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बस इसमें TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि मेरे को उतना बेस्ट नहीं लगा। बाकी अगर ग्लास का प्रोटेक्शन देखा जाए तो ये आपको ग्लास में गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाएगा, साथ में आपको इसमें कॉम्बो मिल जाएगा 120Hz टच रिफ्रेश रेट, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इसका प्रोसेसर भी देखा जाए तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर और बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है इस मोबाइल में। और अगर इसमें अगर आपको देखा जाए तो इसमें आपको पीछे अगर नॉर्मल है एकदम प्लास्टिक बैग, जिसमें कि फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, और इसका शायद कलर भी जल्दी निकल सकता है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपना मिड रेंज का सेट है। इसमें 5G आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और वॉल्यूम रोकर भी आपको इसमें साइड राइट साइड में ही मिलेगा, ऊपर में जस्ट नॉच स्पीकर। और इसमें आपको जो दिया गया है स्पीकर, वो सिंगल स्पीकर है, बाकी इसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको मिल जाएगा एक सैमसंग का सिक्योरिटी नॉच मिल जाएगा। और कैमरा अगर देखा जाए तो कैमरा इसमें 3 मिलते हैं, जो कि कैमरा ज़बरदस्त है, 50+8+2, 8 मेगापिक्सल का जो है आपका अल्ट्रा है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और 50 मेगापिक्सल जो है मेन लेंस है, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का, मतलब फ्रंट इतना कम देने का क्या ज़रूरत था। बैटरी अगर देखा जाए तो 5000 mAh बैटरी मिल जाएगी आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 25W सपोर्ट भी करता है। तो इसमें अगर आपको चार्जर लेना है तो आप 850 rupees का फ्लिपकार्ट में ले भी सकते हैं, नीचे आपको लिंक दिया जाएगा। और इसका रेट जो आया हुआ था वो 17,000 था, फिर इसमें 2 वेरियंट आते हैं, तो 16,000 भी है। और अगर इसको आप ऑफ़र में उठाओगे तो ये आपको पड़ जाता है 15,000, और अभी बिग बिलियन सेल चल रहे हैं तो 11-12 हज़ार में लोग अभी बहुत ज़्यादा इस मोबाइल को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये रहा कुछ कैमरा के फोटो सैंपल, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो है नाइट मोड और डे मोड और कुछ पोर्ट्रेट और कुछ सेल्फीज भी हैं, तो आप इसे इन्जॉय करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल।